इतना छोटा कर दिया। श्रीमान बेताल, मैंने मान लिया कि आप में किसी भी रूप को धरने की शक्ति है, किंतु कृपा करके मुझे आगे की कहानी सुनाएं, मैं जानने के लिए उत्सुक। राजन, ऐसा कीजिए, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, क्योंकि कहानी सुनाने का अभी मेरा मन नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद मेरा मन हो जाएगा, फिर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। तब तक अगर आप चाहें तो जल और फल ग्रहण कर लीजिए। लेकिन श्रीमान बेताल, मैं भूखा और प्यासा नहीं हूँ, पर मैं कथा सुनना चाहता हूँ। देखिए, मैं बेमन से सुना तो दूंगा, पर फिर कुछ भूल गए आप तो, इसलिए बात में सुनाता हूँ ना, जाइए ना। अच्छी बात। बेताल, ब्रह्मदेव, तुम पुनः अपने पथ से भटक रहे हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं ब्रह्मदेव, ये तो मैंने जानबूझकर ऐसी कहानी सुनाई, मुझे पता था ये सुनकर आप जरूर प्रकट होंगे। कृपया मुझे इससे मुक्त कर दीजिए। ठीक है, किंतु स्मरण रहे, यदि तुम पुनः अपने पथ से भटके तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। हाँ, मैं नहीं भटकूंगा। राजा भोज। श्रीमान बेताल, आपको आपके वास्तविक रूप में देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। धन्यवाद राजन। आइए राजन, मैं अब आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। अवश्य। राजन, तक्षक बड़ा ही मायावी नाग था, उसने राजा परीक्षित को भी फूलों के हार में छिपकर डसा था। उसके बाद वो मन ही मन हंसा था, और तो और कलयुग के आने का कारण भी वही बना। तब तो ये कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा। हाँ, और चुनौती का दूसरा नाम थे मेरे मित्र विक्रमादित्य। हे नागदेव, हम संसार वासियों के लिए आप हमेशा से भगवान रहे, हमारे पूजनी, परंतु आज तक्ष के कारण सदियों से हो रही आपकी भक्ति और आस्था टूटने के कगार पर। ऐसा क्या किया उसने सम्राट? कौन सा कुकर्म किया? कौन सा अधर्म? उसने पृथ्वी लोक से महारानी रागेश्वरी का पूजा स्थल से अपहरण किया है। अपने इस घिनौने कुकर्म से आपके देवत्व और नागकुल को कलंकित किया है। उसने आपके भक्तों के हृदय में कटुता और शत्रुता का विष भर दिया। इसलिए हे नाग, हमारी आपसे विनती है, उसके लोक जाने का मार्ग बताएं हमें। यह नागलोक
रुको। कौन हो तुम? सम्राट विक्रमादित्य। कहां से आए हो? पृथ्वी लोक से। यहां नागलोक में क्या कर रहे हो? तक्षक से मिलने आए। पृथ्वी लोक के वासियों का उनसे मिलना बुरा सपना है। लौट जाओ, अन्यथा तुम हमारे विष के तुम विशेष पात्र बन जाओगे। क्योंकि मनुष्य हमारा दुश्मन है। अपने जीवन का कोई मोह नहीं, परंतु दूसरे के जीवन से अवश्य मोह है। हमारा मार्ग छोड़ो, जाने दो हमें। असंभव। मित्रों, इसे समझाना व्यर्थ है, मार दो इसे। सम्राट विक्रमादित्य, हमें क्षमा करें। सम्राट विक्रमादित्य, हम जान गए हैं कि हमारा विश्वव्रत तोड़ने वाला कौन है। नागराज का प्रणाम स्वीकार करें सम्राट, और नागलोक में आने का उद्देश्य बताइए। रक्षक राज से मिलना हमारा उद्देश्य है, कृपया आप हमारी सहायता करें। अवश्य सम्राट, अवश्य। आप मेरे साथ प्रस्थान कीजिए। तो बोलिए राजन, एक तरफ थे मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य निस्वार्थी, जो एक अनजान मनुष्य के प्राणों की रक्षा के लिए नागलोक तक चले गए, और एक आप हैं स्वार्थी, जो मेरे मित्र के सिंहासन को प्राप्त करने की लालच में यहाँ चले आए। सही कहा आपने बेटा, मैं हूँ लालची। यदि अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचना लालच है, तो मैं हूं लालची। यदि अपनी प्रजा को चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की प्रजा के समान न्याय, सुख शांति और आर्थिक समृद्धि देना लालच है, तो मैं हूं लालची। राजन, पहले तो आप झरने का पानी पी के ठंडे हो जाइए, और दूसरी बात, आप मुझे अपनी लच्छेदार बातों से फुसला नहीं सकते। मैं आपको कभी इस सिंहासन पर बैठने नहीं दूंगा। फिलहाल आप आगे की कथा सुनिए। आज के इस शुभ दिन बधाइयां गूंजेंगी इस नागलोक में, क्योंकि तक्षक अपने परम शत्रु मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी एक और पतिव्रता स्त्री के सतीत्व का आज हरण करेगा, उससे विवाह करेगा। एक और जहां मेरे इस कार्य से मेरा प्रतिशोध एक कदम आगे बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर मेरा बल और बलवान होगा। Ha 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 ha
तक्षक, तक्षक, तक्षक। आइए नागराज, पधारिए। तक्षक के विवाह के शुभ अवसर पर आपका स्वागत है। स्वागत सत्कार तो बाद में होता रहेगा तक्षक, पहले सम्राट विक्रमादित्य के मन में बैठे संशय को दूर करो। कैसा संशय? तक्षक, क्या यह सत्य नहीं कि तुमने महारानी रागेश्वरी का अपहरण किया और उन्हें बंदी बनाया? बंदी? अपहरण? नहीं नहीं, मैंने किसी का अपहरण नहीं किया है और ना ही किसी को बंदी बनाया है और ना ही किसी पर बल प्रयोग किया है। ऐसा कहकर आप तक्षक राज पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। यदि आरोप है तक्षक, सत्य क्या है बताइए हमें। हाँ तक्षक, अपने पक्ष को रखकर सत्य को सिद्ध करो। नागराज, सत्य यह है कि मनुष्य जाति हमारी शत्रु है, सदा ही हमारा अहित चाहती है, अहित करती है, और आज ये हमारे विवाह के पावन अवसर पर हमारा अहित करने आया है। नागराज, मनुष्य जाति हमारे लिए बाधा थी, विघ्न है और व्यवधान रहेगी। तक्षक, आरोप का उत्तर प्रत्यारोप नहीं होता। यदि तुम सत्य कह रहे हो तो सिद्ध करो। आप कहते हैं तो मैं अभी सिद्ध कर देता हूं। देवी रागेश्वरी को उपस्थित किया जाए। सम्राट, भाग्य मनाओ कि तुम नागराज के साथ हो, अन्यथा सारा संसार जानता है कि मैं कौन हूं। आपने बुलाया स्वामी? महारानी राजेश्वरी। हां देवी, आइए। देखिए, हमें देने के लिए कुछ विशेष भेंट लेकर पृथ्वी के परोपकारी सम्राट विक्रमादित्य आए हैं। कैसी भेंट? हमारे विवाह की भेंट? हाँ, और वो भेंट है आरोप की। इनका कहना है कि हमने आपका अपहरण किया है और आपसे आपकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर रहे हैं। नहीं सम्राट, ये गलत है। हम स्वयं की इच्छा से इनसे विवाह कर रहे हैं। महारानी रागेश्वरी, ये आप क्या कह रही हैं? आप विवाहित हैं? महाराज रुद्र प्रताप की पत्नी हैं आप? होंगे कभी, परंतु अभी हम केवल इनसे प्रेम करते हैं। हम नहीं विश्वास करते आप जो कह रही है उसमें। आप जो कुछ भी कह रही वो इस तक्षक के भय से कह रही। प्रेम में भय कहाँ सम्राट? प्रेम तो निर्भय है, निर्भीक है। नहीं मान सकते आप, ये सत्य नहीं है देवी। बस सम्राट बस, अब आगे एक शब्द नहीं। आपने जो प्रसंग छेड़ा था उस प्रसंग का सुखद अंत हो गया है। सुन लिया आपने जो सुनना था? आपके आरोपों का उत्तर आपको मिल गया है। अब आपकी भलाई इसी में कि आप चुपचाप यहां से चले जाइए। शुभ कार्य में विघ्न उपस्थित करने की कोशिश ना करें, जाइए यहां से। आइए देवी, बैठिए यहां। और सम्राट विक्रमादित्य,
हमारे हृदय की विशालता को देखिए। आपने हम पर आरोप लगाए, पर हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं अपने विवाह में साक्षी होने का। विवाह संपन्न होने पर ही जाइएगा। पुरोहित जी, शुरू कीजिए। महारानी रागेश्वरी की बातों ने तो हमें दुविधा में डाल दिया है। उनकी बातों से तो हमारा उद्देश्य, हमारा संकल्प, हमारा वचन सब बेकार हो जाएगा। इस बल से हम लोगों का सामना करें। कहां गए सम्राट विक्रमादित्य? और अब तक लौटे क्यों नहीं? कहीं उन्होंने हमें धोखा तो नहीं दे दिया? महारानी रागेश्वरी चाहे कुछ भी कहे, परंतु हमारी आत्मा यह कहती है कि असली अपराधी तक्षक ही है, और नामदेव के जीवन को बचाने के लिए हमें किसी भी कीमत पर तक्षक को पृथ्वी लोक ले जाना होगा। पुत्र, अब छोड़ दे सम्राट के आने की आस और चल, इससे पहले कि रुद्र प्रताप के सैनिक फिर से तुझे पकड़ने आ जाए, हम लोग कहीं और चले जाते हैं। पुत्र, परमपिता परमात्मा, हम तो भारी धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ कालदेव बंधे हुए, दूसरी तरफ महारानी रागेश्वरी तक्षक के छल की शिकार हुई। नर्थ ना हो जाए इसलिए तब तक कालदेव को मुक्त नहीं कर सकते जब तक इस समस्या का हल ना मिल जाए। विक्रमादित्य, मुक्त कर मुझे, अन्यथा तू नहीं जानता जिस परोपकार को तू अपने आत्मिक सुख और संतोष का कारण समझ रहा है, वही तेरे लिए कष्टकारक बन जाएगा। तो मुक्त कर मुझे विक्रमादित्य। तक्षक के विवाह को रोकने के लिए हमें शीघ्र ही कोई उपाय खोजना होगा, अन्यथा हम दूध का दूध और पानी का पानी अलग नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ राजन, है ना ये भंवर जा? बताइए क्या हुआ होगा आगे? श्रीमान बेताल, ना तो सत्यत्व भंग हुआ होगा और ना परोपकार की पराजय हुई होगी, क्योंकि अगर एक सत्य है तो दूसरा था और दोनों अटल है। कर दी ना आपने फिर से वही घिसी पिटी किताबी बातें शुरू। राजन थोड़ा तो दिमाग लगाइए, समझिए बात को। अरे महारानी तो तक्षक के बस में थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका सत्यत्व भंग ना हुआ हो? बोलिए, उत्तर दीजिए। या तो उत्तर दीजिए या भूल जाइए सिंहासन को। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.